हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं गाड़ी में से शुरू कर रहा हूँ। मम्मा मेरे साथ है और मैं और मम्मा आज उखड़ाल जा रहे हैं। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। आई थिंक मुझे 10 दिन हो गए आज कोई व्लॉग नहीं डाला, तो फिलहाल आज व्लॉग डाल रहा हूँ। रितकले रोड नहीं, अच्छा। तो फिलहाल अभी हम मुंगा पे पूछे, मम्मी मम्मी हाँ। अभी फिलहाल हम हुंगा से नीचे जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग डाला। पहले मैं खुद बीमार हो गया था 10 दिन, उसके बाद शादी आ गई तो वहाँ बिजी हो गया। शादी ख़त्म हुई तो उसके बाद डेथ होगी गाँव में, तो फिर वहाँ बिजी हो गया। आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। मुझे लगता है शायद 15 दिन हो गए, 10 से 15 दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया। तो आज फिलहाल उखड़ाल जा रहा हूँ, तो सोचा व्लॉग भी शूट करता चलूँ और शाम को अपलोड कर लूँगा आज। वो कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो वही है। चलो कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूँगा, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे। यहाँ से भी लुक वगैरह लगा दिया हुआ है आज नया नया ना। कितने तो फिलहाल पहुंच चुका हूं मैं उखड़ाल में और यहां से लेते हैं कुछ सामान वगैरह। सामान वगैरह मैंने यहाँ से ले लिया और जल्दी निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे फालतू में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। हम तीनों अभी वापस जाएंगे, थोड़ा सा दी के घर भी बैठते हैं। तो फिलहाल उखड़ाल से निकल रहा हूँ मैं। अरे आजकल ये अच्छी लुक बिछाई है ना, मतलब गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। यहाँ से ऐसे घर तक बिछा दी जाए ना तो फिर मज़ा ही आ जाए गाड़ी चलाने में। फिलहाल निकलते हैं अब जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ से मुझे मोमोज भी लेने हैं। मैंने टेस्टी बाइट से मंगवाए थे, अंदिक्ष लेते आ रहा होगा। तो यहाँ पे साइड पे लगाता हूँ गाड़ी। पापा मामा मूड में लग रहे हैं क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है कि मैं फास्ट फूड वगैरह खाऊँ। क्या लाया, मोमोज लाया है? मोमोज और चटनी वगैरह सब कुछ डाल के लाया और बस मोमोज आ चुके हैं। उस साथ जी लीजिए, नहीं होते अच्छा ठीक होते हैं। तो फिलहाल मोमोज आ चुके हैं, अब कहीं गाड़ी साइड पे लगाता हूँ और खाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने मंगवाया था एक रानी जूस जो एक राजा पिएगा और मोमोज वगैरह काफ़ी अच्छे बनाए। मसाला भी डाला हुआ ऊपर से, वो चटनी वगैरह सब कुछ। पहले पेट पूजा करेंगे फिर निकलते हैं। तो तुम्हारे भाई को मिला यहाँ पे एक पत्थर का दिल। भाई कोई ख़तरनाक आशिक है जिसने ये दिल बनाया है। या तो भाई साहब का दिल टूटा है या भाई साहब है अभी प्यार में, तो पत्थर वाला दिल बना दिया है। क्या बात है, क्या टैलेंट है यार यहाँ के लोगों का। इसको मैं गाड़ी में चिपका देता लेकिन ये चिपकेगा नहीं। पहले ट्राई करता हूँ ज़रा। फिलहाल पहुंच चुका हूं मैं अभी दी के घर पे और यहाँ पे बोला था मैंने चाय वगैरह बनाने के लिए। दी चाय बनी, चाय बनी। क्या खुशबू आ रही है।
ले। तो फिलहाल अब निकलते हैं घर के लिए, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 5:30 हो रहा अभी टाइम। तो फिलहाल हुंगा से निकल चुके हैं आप घर के लिए। आजकल यहाँ से जो मक्की थी ना साइड पे, वो सब कटिंग हो चुकी है, यहाँ से अब बिल्कुल नंगा नंगा सा लगता है। बिल्कुल खुला खुला ना, यहाँ पिछली वीडियोस में मेरे राइट साइड जो ना मक्की लगी होती थी, अभी यहाँ से खाली खाली दिख रहा सब। सब साइड दे दो, मतलब बिल्कुल रास्ते में चलते रहते हैं लोग, हॉर्न जितने मार लो सुनते नहीं है। और 4 डंपर है आगे मेरे, इनसे साइड लेना भी मुश्किल हो जाएगा, यहाँ से रास्ता है भी तंग। अच्छा गाड़ी को साइड दे रहे थे, इतनी ज्यादा डस्ट आ रही है भाई साहब, से लेना पड़ेगा साइड, नहीं तो बड़ी मुश्किल है, गाड़ी पूरी खराब हो जाएगी, धोनी पड़ेगी फिर से। तो यहाँ पे है जगह थोड़ी बहुत, क्या आप साइड दे दें। तो ले लेता हूँ मैं सबसे पहले साइड, वो जल्दी जल्दी में अभी आगे भी 2 डंपर है, उनसे भी साइड लेना पड़ेगा। यहाँ थी नहीं जगह मुझे साइड लेने के लिए, और यहाँ पे अब लूँगा मैं साइड, यहाँ पे है इंडिकेटर वगैरह दे रहा है, तो यहाँ से निकल लेता हूँ मैं साइड पहले। देख भाई सीधा ही आ गया यार, भाई थोड़ा सा रिवर्स करो, यहाँ पे जगह नहीं है भाई यार, नया नहीं चला रहा है, इतनी सी जगह में निकालना भी मुश्किल हो जाएगी गाड़ी। यहाँ से है भी सिंगल लेन, और कुछ अनट्रेन लोग भी यहाँ से चलाते रहते हैं गाड़ी, साइड की बारी आए तो साइड दे भी नहीं सकते अच्छे से। आज मौसम देखो भाई मस्त है मस्त, मतलब पहाड़ों पे बर्फबारी हो चुकी है, सर्वेधार में बर्फबारी हो चुकी है, अभी दूसरा पहाड़ भी दिखाऊंगा मैं, उन पे अलग से वीडियो लेके आऊंगा। यहाँ पे ताज़ा ताज़ा स्नोफॉल हो चुकी है, अभी कुछ ही टाइम में मतलब नवंबर दिसंबर के महीने में यहाँ पे बर्फबारी हो जाती है, और ये पूरा रास्ता बंद होता है उस टाइम, 2-4 दिन बंद होता है फिर खुल जाता है। अरे वाह क्या सिक्स मारा, साइड दे देना। तो आजकल मतलब लोगों का काम मैक्सिमम ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, और लोग ना सड़कों में क्रिकेट खेला करते हैं, यहाँ पे है नहीं ग्राउंड हमारे साइड का, तो जहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेले नज़दीक में, तो लोग आ जाते हैं सड़क वगैरह में क्रिकेट खेलने। फिलहाल मेरा ये आखिरी मोड़ है, और मैं पहुँच जाऊँगा अपनी लोकेशन पर, मतलब अपने जहाँ से घर के लिए रास्ता जाता है वहाँ पे। और यहाँ से ये वो पत्थर चमक रहे हैं ना, ये सबसे यूनिक दिखते हैं, मतलब ऐसे पूरे गोल्ड की शेप में। तो बस मुझे 1 मिनट और लगने वाला है, मैं पहुँच जाऊँगा। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो इतनी रखते हैं, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे।